प्यारे बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर 6 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले हरियाणा बोर्ड के जितने भी पेपर आप देखोगे उनमें सभी में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 36 वर्ग मीटर और 49 वर्ग मीटर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। अब प्यारे बच्चों इनके क्षेत्रफल दे रखे हैं 36 वर्ग मीटर और 49 वर्ग मीटर, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो गया, 36 अनुपात 49 उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। अगर हमें इनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है, समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 वर्गमूल 7। तो बड़ी आसान सी बात है कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात निकालना है तो आपको वर्गमूल करना है, और अगर आपके पास भुजाओं का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो आपको वर्ग करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्षेत्रफल दे रखे थे तो हमने क्षेत्रफलों का अनुपात लिखा और उसका वर्गमूल कर दिया तो भुजाओं का अनुपात आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 6:7। तो पहला है 36:49, ये तो क्षेत्रफल ही है यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात है। दूसरा है 7:6, नहीं हमारे पास 6:7 है, तो यहाँ पे 6:7 यानी कि सी ऑप्शन है जो वो हमारा सही ऑप्शन है। डी में है 49:36, ये भी नहीं है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये हो गया पहले बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:9 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात डैश होगा। अब देखो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, तो 25:81, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दी गई आकृति में AB समांतर है QR के, एक आकृति दी हुई है जहां पे AB QR के समांतर है। AP बराबर है 3 सेंटीमीटर, AP ये 3 सेंटीमीटर है, AQ बराबर है 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। BR ये 4 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो BP इसकी लंबाई होगी, ये निकालनी है हमें इसको, अगर हम x मान लें क्योंकि AB और QR समांतर है तो समानुपातिकता परिमेय लगा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि PA बटे में QA इसके बटे में ये PA बटे में AQ भी लिख सकते हैं, QA लिख ले। ठीक इस तरह से PB बटे में B क्या हो गया, PB बटे में B क्या लिख लो या RB लिख लो, एक ही बात है। अब आप देखें ये कितना है हमारे पास 3 और ये कितना है हमारे पास 5, इसका मान हमें निकालना है x और ये हमारे पास कितना है 4, तो R पर गुणा कर दी, 5x बराबर है 4 × 3 = 12, x बराबर है 12/5, जब इसको सोल्व करेंगे 5 × 10 = 0.5 और 5 × 4 = 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास PB का मान आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने आधारभूत समानुपातिकता परिमेय यूज कर लिया कि इसके बटे में ये और इसके बटे में ये, यहाँ पे PA बटे में AQ भी कह सकते हैं, PB बटे में BR भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमने PA बटे में QA लिख लिया और PB बटे में RB लिख लिया और उनके मान रख के इसको सोल्व कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 2.4। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो अब आप सोचे कि कौन से त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, अब कैसे, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखें कि समबाहु त्रिभुज में जो संगत भुजाएं हैं, अब मान लो
यहाँ पे आप देखो, एक तो बात आप ये देखें कि जो समबाहु त्रिभुज होगी उसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। मान लो ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाली है और ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाली है, लेकिन प्रत्येक कोण तो यहाँ पे कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। यहाँ पे भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है वो कैसी होगी, समरूप होगी। समकोण, समद्विबाहु और विषमबाहु में ये बात नहीं कही जा सकती। तो सभी समबाहु त्रिभुज कैसी होती है, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप, यानी कि एक जैसा रूप, बड़े छोटे तो हो सकते हैं लेकिन रूप है एक जैसा हो। तो समरूपता के जो नियम है, अगर वो आपके क्लियर है कि कौन कौन से नियम है, भुजा भुजा भुजा, कौन कौन कौन, तो इस तरह से जो समरूपता के जो नियम है वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और सलाह है आपके लिए कि हर एक चैप्टर के अंतिम पेज पर सारांश दिया होता है, समरी दी होती है, आप उसको भी जरूर करें, आपके सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होते चलेंगे। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी वृत्त डैश होते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक वृत्त तो जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इनकी शेप भी बड़ी छोटी है, आकार इनका बड़ा छोटा है, लेकिन देखने में तो एक जैसे ही है। तो यानी कि सभी जो वृत्त है वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम तो तब होंगे जब उनकी त्रिज्या बराबर होगी, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या तो कम ज्यादा है, ये सर्वांगसम तो हो ही नहीं सकते। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सी त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हमारे पास भुजाएं दे रखी हैं और हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी समकोण त्रिभुज नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या विशेष गुण होता है, प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखो, पांच, पहला ऑप्शन ले, 5 का वर्ग तो हो गया 25, 12 का वर्ग हो गया 144 और 13 का वर्ग हो गया 169। तो जब हम इसको जोड़ें, 25 और 144 को जोड़ें तो 169 आ जाएगा, यानी कि इसका वर्ग जमा इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर हो गया, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज है ये, हमारा कर्ण हो जाएगा ये, तो यानी कि ये तो समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहां से 9 से हमारे पास 81 आ जाएगा, 10 से हमारे पास 100 आ जाएगा और 11 से हमारे पास 121 आ जाएगा। किन्हीं भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रही, तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज नहीं होगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे 9 से हमारे पास 81 हो जाएगा, 12 से हमारे पास 144 हो जाएगा और 15 से 225 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ के देखें हम, 4 और 1 5, 14 और 8 22, तो 225 ठीक है ये भी। तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर है, यानी कि ये हमारा कर्ण था, ये भी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए, अगर 24 का वर्ग 576 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है और 26 का वर्ग 676 होता है, तो 576 और 100 676 हो जाएंगे, ये भी 676, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग इनका योग इसके वर्ग के बराबर होता है, तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लग गया, यानी कि ये भी समकोण त्रिभुज है, यानी कि बी हमारा राइट ऑप्शन है कि यहां से जो त्रिभुज मिलेगी उसमें किन्हीं भी दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है, यानी कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि संदीप उत्तर की तरफ 7 मीटर जाता है और फिर पूर्व की तरफ 24 मीटर जाता है, बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि संदीप है जो वो 7 मीटर उत्तर की तरफ जाता है। देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व, यहां पे आरंभिक यहां पे मान लेते हैं। तो 7 मीटर कहा गया वो उत्तर की तरफ यहां गया,
ये 7 मीटर, और फिर वह पूर्व की तरफ, पूर्व इधर है कितने दूर गया 24 मीटर, तो यहां से यहां तक वो 24 मीटर गया। उसके बाद पूछा गया कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये हमें ये दूरी बतानी है। प्यारे बच्चों आप देखो, ये हमें हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होगी, यहां पे समकोण है यानी कि ये कर्ण है हमारे पास, यानी कि कर्ण इसको अगर हम x मान लें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि x का वर्ग किसके बराबर होगा 7 के वर्ग और 24 के वर्ग के। एक्स का वर्ग हो गया 49 और 576, ये हो गया 625, तो एक्स आ गया वर्गमूल 625, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आ गया हमारे पास 25। प्यारे बच्चे वो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा, 25 मीटर की दूरी पर होगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख ले, 24 मीटर, 25 मीटर, 26 मीटर, 27 मीटर, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिया हमने, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। स्टेटमेंट दे दी कि किसी त्रिभुज में, तो इसको बना लेते हैं, त्रिभुज है एबीसी, इसमें क्या कहा गया, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, यह है आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का विलोम और पाइथागोरस परिमेय का विलोम। तो प्यारे बच्चों अब ये तो क्लियर हो गया कि देखो भुजाओं के वर्गों की बात हो रही है, यानी कि ये तो ये या तो ये जो पाइथागोरस परिमेय है या फिर उसका विलोम है, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता परिमेय या उसके विलोम में तो अनुपात की बात होती है या वर्गों की बात होती है। अब हमारे पास जो पाइथागोरस परिमेय है, पाइथागोरस परिमेय में क्या है कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये तो है पाइथागोरस परिमेय। अब इसमें तो समकोण त्रिभुज में पहली बात कह दी कि समकोण त्रिभुज में कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यहां पे उसका विलोम नजर आ रहा है। देखो यहां क्या कहा गया है कि यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, यानी कि यह पाइथागोरस थ्योरम का विलोम है। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा पाइथागोरस परिमेय का विलोम, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले बच्चों वैसे तो जो परिमेय 6.9 है वो पाइथागोरस परिमेय का विलोम है, वो आपके इस साल के सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी हमने इसमें दोनों एक परिमेय के बारे में बात कर लिया कि पाइथागोरस परिमेय के बारे में भी और विलोम के भी, क्योंकि एटलीस्ट बेशक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है लेकिन आपको उसकी स्टेटमेंट और उसके जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहले बच्चों ये था हमारे पास चैप्टर 6 त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।